नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको विदित है कि हम जिले की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा रहेगा टोंक जिले से संबंधित 25 एमसीक्यू। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जितने भी फ्रेंड है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। अपन बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आज कौन सा जिला और कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम बात करें, आज अपना जिला रहेगा वो टोंक रहेगा, और टोंक जिले से हम 25 एमसीक्यू को कवर करेंगे। टोंक एक छोटा जिला है जिससे अपने 25 एमसीक्यू को लिया है, जितने इंपॉर्टेंट थे उन सभी को लिया गया है। आज का अपना पहला प्रश्न है, टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी। तो टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अमीर खां के द्वारा की गई थी। एक्चुअली पूरा नाम है अमीर खां पिंडारी कहते हैं इनको। टोंक रियासत की स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। अमीर खां पिंडारी के द्वारा टोंक रियासत की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा है आज का, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। तो वो टोंक रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो आपकी टोंक रियासत थी। कौन सी थी वो, टोंक रियासत थी। इसके बाद आज का अपना तीसरा प्रश्न है, देवली छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी। तो कोटा रीजन, देवली एक्चुअल में देवली कहाँ है, तो ये देवली है वो टोंक जिले के अंतर्गत आता है। देवली कहाँ आएगा आपका, टोंक जिले में। तो हम बात करेंगे देवली जो छावनी थी कौन सी रेजिमेंट थी उसके अंतर्गत, तो कोटा रेजिमेंट थी, कोटा रेजिमेंट के सैनिक रहते थे। तो टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी के द्वारा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो टोंक रियासत थी। देवली छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, तो कोटा रेजिमेंट थी। देवली वर्तमान में टोंक के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं आज का अपना चौथा प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड एग्जाम मतलब कई एग्जामों में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलेंगे कि केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है अविकानगर टोंक के अंतर्गत। कहाँ है, अविकानगर टोंक में है। टोंक जिला किस संभाग में आता है, तो टोंक जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आएगा, तो बात करें टोंक जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। टोंक जिले का शुभंकर क्या है, तो टोंक जिले का शुभंकर है वो हंस है। क्या है, हंस। प्रश्न नंबर चौथा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बात करें अविकानगर टोंक के अंतर्गत है। टोंक जिला किस संभाग में आता है, टोंक जिला राजस्थान के अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर बात करें टोंक जिले का शुभंकर क्या है, तो टोंक जिले का जो शुभंकर है वो आपका हंस रहेगा। फिर बात करें प्रश्न नंबर छठा है आपका, सॉरी सातवां है, उनियारा शैली राजस्थान चित्रकला की किस शैली या किस स्कूल की उपशैली है। तो जो उनियारा शैली है उनका संबंध किससे है या किसकी उपशैली है, तो ढूंढाड उपशैली की है। किसकी है, तो डोडार्ड जो शैली है, डोडार्ड चित्रकला है, डोडार्ड जो शैली है मुख्य है, और उसकी उप शैली कौन सी है, उनियारा, या किस स्कूल के अंतर्गत आती है, तो डोडार्ड स्कूल के अंतर्गत आएगी। प्रश्न नंबर आठवां, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। कहां पर है, तो टोंक जिले में। कहां पर है, तो बात करें वो टोंक जिले में रहेगा बिसलपुर बांध। फिर बात करें बनास डाई खारी नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो तीन नदियां हैं त्रिवेणी संगम, एक तो आपकी बनास नदी है, डाई नदी है, खारी नदी है, इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो राजमहल में। कहाँ हो जाएगा, राजमहल हो जाएगा। उनियारा शैली का राजस्थान चित्रकला शैली जो उप शैली है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो ये ढूढ़ाड़ स्कूल से संबंधित है, और ढूढ़ाड़ जो मुख्य शैली है उसकी उप शैली है उनियारा। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, टोंक जिले में बना हुआ है। बनास डाई खारी इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम हो रहा है राजमहल स्थान पर, और ये स्थान कहाँ पर है,
तो ये आपका स्थान है टोंक जिले में, कहाँ है तो टोंक जिले में रहेगा। दसवां प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो रेड सभ्यता, और रेड सभ्यता आपके टोंक जिले में है, ठीक है। रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक जिले में। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है कौन सी सभ्यता को? रेड सभ्यता को। ये रेड कहाँ है? तो ये रेड है आपका टोंक जिले में। फिर बात करें, राजस्थान में सर्वप्रथम सिकार एक्ट लाने वाली कौन सी रियासत थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सिकार एक्ट लाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक रियासत थी। कौन सी रियासत थी? तो टोंक रियासत थी। मुबारक महल, देखो मुबारक महल दो है राजस्थान में, एक है आपके जयपुर में, ठीक है। एक मुबारक महल जयपुर के अंतर्गत है, ये मुबारक महल पूछा गया टोंक वाला। मुबारक महल जहां बकरीद के दिन ऊंटों की बलि या ऊंट की बलि दी जाती थी, वर्तमान में यहाँ ऊंट की बलि पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगी हुई है। पहले यहाँ पर बकरीद के दिन ऊंट की बलि दी जाती थी, ये मुबारक महल ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध था, ये है आपका टोंक जिले में। और एक मुबारक महल है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, जो कि जयपुर में है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? रेड सभ्यता स्थल को कहा जाता है। किस जिले में है? तो टोंक जिले से संबंधित है। राजस्थान में सर्वप्रथम सिकार एक्ट लाने वाली रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सिकार एक्ट लाने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? तो टोंक रियासत थी। मुबारक महल जहां बकरीद के दिन ऊंट की बलि दी जाती थी, तो मुबारक महल एक जयपुर में भी है, मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा है मुबारक महल टोंक का, जो कि ऊंटों की बलि के लिए प्रसिद्ध है, वो आपके टोंक जिले से संबंधित रहेगा। आज का अपना 13वां प्रश्न, टोंक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये एक्चुअली इनका पूरा नाम हो जाए, वो संस्था का नाम है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, कब स्थापित किया गया था? तो ये टोंक जिले में है। कब स्थापित किया था? 4 दिसंबर 1978 को, 1978 को स्थापित किया गया था। पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के टोंक जिले में है। कब स्थापित किया गया था? 4 दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। टोडी सागर बांध कहाँ पर है? टोडी सागर बांध टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में। तो याद रखना, टोडी सागर बांध कहाँ है? टोडी सागर आपके टोंक जिले में है। चांद सेन पशु मेला टोंक जिले के किस क्षेत्र में लगता है? तो चांद सेन जो पशु मेला है वो टोंक जिले के मालपुरा के अंतर्गत लगता है। कहाँ लगता है? मालपुरा में। तो टोंक में मौलाना अबुल आजाद कलाम, मतलब अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान है, ठीक है। 4 दिसंबर 1978 में स्थापना हुई थी। टोडी सागर बांध कहाँ है? टोडी सागर बांध राजस्थान के टोंक जिले में। चांद सेन पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये टोंक जिले में लगता है। स्थान पूछेगा तो मालपुरा, ठीक है, मालपुरा टोंक में भरता है। 16वें नंबर का प्रश्न है अपना, संत धन्ना जी का जन्म स्थल कौन सा है? तो संत धन्ना जी का जन्म स्थल है धुवन गांव टोंक, ठीक है। ये राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं, धुवन गांव टोंक के अंतर्गत, ठीक है। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी दोस्तों तक, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कर दे आप लोग। बात करें धुवन गांव टोंक में वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? काफी प्रसिद्ध है वनस्थली विद्यापीठ, इनकी स्थापना की गई थी रतन शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रतना शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। फिर बात करें 18 नंबर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया कहाँ है? टोंक में है। नामक स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? देव नारायण जी से संबंधित है, ठीक है। और देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो आसिन भीलवाड़ा में। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर आसिन भीलवाड़ा में। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया में टोंक के अंतर्गत की इनका एक मंदिर है। 16वां प्रश्न, संत धन्ना जी का जन्म स्थल धुवन गांव टोंक जिला, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब किसने की थी? रत्ना शास्त्री जी के द्वारा की गई है। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। इसके अलावा बात करें तो देवधाम जोधपुरिया टोंक नामक स्थान लोक देवता से संबंधित है, वो देव नारायण जी से थी। यहां पर भी है देवधाम जोधपुरिया में। फिर बात करें 19 नंबर,
अमीरगढ़ या भोमगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो भोला ब्राह्मण के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये नाम याद रखना, भोला ब्राह्मण के द्वारा। और ये दुर्ग है कहाँ? तो ये टोंक जिले से संबंधित है। कहाँ पे है? टोंक। तो अमीरगढ़ का दुर्ग या भोमगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये टोंक में है। निर्माण किसने करवाया? भोला ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था। फिर बात करें 20वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान का लोह पुरुष नाम से जाने वाले दामोदर लाल व्यास का संबंध है। तो ये है आपका मालपुरा टोंक में। राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये याद रखना, राजस्थान का लोह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास। उनका संबंध है टोंक जिले के मालपुरा से संबंध रहेगा। 21 नंबर का प्रश्न है, टोंक जिले में स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण सवाई जयसिंह जी के द्वारा करवाया। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। तो अमीरगढ़ भूपगढ़ दुर्ग भोला ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास जी को कहा जाता है। उनका संबंध टोंक जिले के मालपुरा से है। टोंक जिले में गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाई जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 से। प्रश्न नंबर 22 से, टोंक जिले में दड़ा महोत्सव, याद रखना कौन सा महोत्सव? दड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो मकर संक्रांति पर। टोंक जिले का दड़ा महोत्सव काफी प्रसिद्ध है, और कब किया जाता है आयोजन? मकर संक्रांति पर किया जाता है। तो याद रखना, दड़ा महोत्सव किस जिले से संबंधित है? दड़ा महोत्सव टोंक जिले से संबंधित है। आयोजन कब किया जाता है? मकर संक्रांति पर आयोजन किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 23 से आज का, टोंक में जालंधर नाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो निवाई टोंक में, याद रखना ये पूछा गया है जालंधर। टोंक जिले में जालंधर नाथ की गुफा कहाँ पर है? तो ये है आपकी निवाई टोंक के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 24 से, टोंक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो 84 बोली जाती है। कौन सी बोली है? टोंक जिले में 84 बोली। आज का अंतिम अपना 25 नंबर का प्रश्न है, चार बेत लोक नाट्य का संबंध किस जिले से है? तो चार बेत लोक नाट्य है वो टोंक जिले से संबंधित है। टोंक जिले में दड़ा महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? टोंक जिले में। कब आयोजन किया जाता है? मकर संक्रांति पर आयोजन किया जाता है। जालंधर नाथ की जो गुफा है वो कहाँ पर है? निवाई टोंक के अंतर्गत है। टोंक क्षेत्र में बोली जाने वाली 84 बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? 84। चार बेत लोक नाट्य का संबंध टोंक जिले से। तो साथियों, इस प्रकार अपने 25 प्रश्नों को एक बार पढ़ लिया है, और अपन स्लाइड नंबर 1 पे आके वापिस रिविजन कर लेते हैं। हर वीडियो में अपन यही कर रहे हैं कि एक बार पूरे प्रश्नों को करते हैं, उसका साथ में रिविजन, इसके बाद में वापिस उन प्रश्नों का दोबारा रिविजन कर लेते हैं। बात करें टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा, टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो टोंक रियासत थी। देवली छावनी जो कि टोंक में है, उसमें कहाँ की रेजिमेंट रहती थी? तो कोटा की रेजिमेंट। टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी, मुस्लिम रियासत टोंक, देवली छावनी टोंक में थी, और कौन सी रेजिमेंट थी? तो कोटा रेजिमेंट थी। फिर बात करते हैं तीसरा प्रश्न, सॉरी यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविकानगर टोंक के अंतर्गत। कहाँ है? अविकानगर टोंक में। टोंक जिला किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। टोंक जिले का शुभंकर क्या है? तो टोंक जिले का शुभंकर हंस है आपका। फिर बात करें उनियारा शैली किसकी उप शैली है? तो ढूढ़ाड़ स्कूल की माने स्कूल आएगा ढूढ़ाड़, और बड़ी शैली मतलब मुख्य शैली तो ढूढ़ाड़ शैली है, और उसकी उप शैली है उनियारा, और उनियारा शैली है वो टोंक जिले से संबंधित है। कौन से जिले से है? तो उनियारा शैली है वो टोंक जिले से संबंधित। बिसलपुर बांध कहाँ बनाया गया? बिसलपुर बांध किस नदी पर है? तो बिसलपुर बांध है बनास नदी पर है, टोंक जिले में। बनास डाई खारी इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ हो रहा है? तो राजमहल नामक स्थान पर हो रहा है। वो जिला कौन सा रहेगा? टोंक जिला। और बिसलपुर बांध में ही रंगीन मछलियां छोड़ी गई है। एक क्वेश्चन ये भी याद कर सकते हो, राजस्थान में रंगीन मछलियां किस बांध में छोड़ी गई है? तो वो बिसलपुर बांध में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। 10वां प्रश्न,
प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? रेड सभ्यता को जाना जाता है। किस जिले में है? तो टोंक जिले में है। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम सिकार एक्ट लाने वाली कौन सा एक्ट, सिकार एक्ट लाने वाली रियासत कौन सी थी? तो टोंक रियासत थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सिकार एक्ट लाने वाली रियासत टोंक रियासत। मुबारक महल राजस्थान में दो है, एक जयपुर में है जो कि मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा है टोंक जिले में जो कि ऊंटों की बलि के लिए प्रसिद्ध था, तो ये टोंक जिले में। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड को कहा जाता है? टोंक जिले में। सिकार एक्ट लाने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत है। मुबारक महल जहाँ की बकरीद के दिन ऊंटों की बलि दी जाती थी उसके लिए प्रसिद्ध है, तो टोंक जिले का मुबारक महल है। कोटा सॉरी टोंक में मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कब स्थापित किया गया था? 4 दिसंबर 1978 में स्थापित किया गया था। टोडी सागर बांध कहाँ है? टोडी सागर बांध है वो टोंक जिले में है। चांदसेन पशु मेले टोंक में किस स्थान पर लगता है? तो मालपुरा टोंक में। तो चांदसेन पशु मेला टोंक में, टोडी सागर बांध ये मालपुरा टोंक में, ये टोंक में। स्थापना कब की गई थी? अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक जिले में 4 दिसंबर 1978 को स्थापना की गई थी। संत धन्ना जी का जन्मस्थल धुवन गांव टोंक में है। संत धन्ना जी का जन्मस्थल कौन सा है? तो धुवन गांव टोंक जिला। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? टोंक जिले में। रत्ना शास्त्री जी के द्वारा स्थापना की गई थी। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भिलवाड़ा में कहाँ है? आसिंद भिलवाड़ा में। देवधाम जोधपुरिया टोंक नामक स्थान किस लोक देवता से है? तो वो भी कहाँ पर है? तो देवनारायण जी से संबंधित है, ये इनका दूसरा धाम है, दूसरा मंदिर कह सकते हैं। तो संत धन्ना जी का धुवन गांव टोंक, वनस्थल विद्यापीठ टोंक में रत्ना शास्त्री जी स्थापना, आसीन भिलवाड़ा में मुख्य मंदिर, देवधाम जोधपुरिया टोंक में इनका दूसरा मंदिर है। फिर बात करें 19 नंबर का प्रश्न, 19 नंबर का प्रश्न है अपना, अमीरगढ़ का दुर्ग या भूपगढ़ का दुर्ग किस जिले में है? तो ये आपके टोंक जिले में है। किसने निर्माण करवाया था? भोला ब्राह्मण के द्वारा निर्माण करवाया गया था। फिर बात करें राजस्थान का लौह पुरुष, देखो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है, और उनका संबंध है मालपुरा टोंक से। कहाँ से हो जाएगा? मालपुरा टोंक से। टोंक में स्थित गोकणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह जी के द्वारा करवाया था। 22 नंबर का प्रश्न है, टोंक जिले में दड़ा महोत्सव, दड़ा महोत्सव कहाँ का है? टोंक जिले। कब आयोजन किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन इसका आयोजन किया जाता है। टोंक में जालंधर नाथ की गुफा कहाँ है? तो टोंक जिले की निवाई में है। कहाँ है? निवाई टोंक में। टोंक क्षेत्र में कौन सी बोली? तो 84 बोली जाती है। चार बेत लोक नाट्य का संबंध किस जिले से है? तो टोंक जिले से रहेगा। तो साथियों इस प्रकार हमने आज जो आपका टोंक जिला है उससे 25 प्रश्न 25 MCQ को अपन ने पूरा कवर किया है। एक बार अपन ने पहले पढ़ लिया, फिर रिवीजन किया, फिर रिवीजन किया, इस प्रकार हमने इसको यही याद करने की कोशिश की है। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है ताकि सभी तक पहुंच सके, और आपके सपोर्ट से ही अपन आगे अच्छा काम कर पाएंगे। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है IRGK क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको विदित है कि हम जिले की MCQ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा रहेगा टोंक जिले से संबंधित 25 MCQ। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। अपन बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आज कौन सा जिला और कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम बात करें, आज अपना जिला रहेगा वो टोंक रहेगा, और टोंक जिले से हम 25 MCQ को कवर करेंगे। टोंक एक छोटा जिला है जिससे अपने 25 MCQ को लिया है, जितने इम्पोर्टेंट थे उन सभी को लिया गया है। आज का अपना पहला प्रश्न है, टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी? तो टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमीर खां के द्वारा की गई थी। एक्चुअली पूरा नाम है अमीर खां पिंडारी कहते हैं इनको। टोंक रियासत की स्थापना की थी अमीर खां
पिंडारी, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। अमीर खां पिंडारी के द्वारा टोंक रियासत की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा है आज का, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो वो टोंक रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो आपकी टोंक रियासत थी। कौन सी थी वो? टोंक रियासत थी। इसके बाद आज का अपना तीसरा प्रश्न है, देवली छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? तो कोटा रीजन। देवली एक्चुअल में देवली कहाँ है? तो ये देवली है वो टोंक जिले के अंतर्गत आता है। देवली कहाँ आएगा आपका? टोंक जिले में। तो हम बात करेंगे देवली जो छावनी थी कौन सी रेजिमेंट थी उसके अंतर्गत, तो कोटा रेजिमेंट थी। कोटा रेजिमेंट के सैनिक रहते थे। तो टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी के द्वारा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक रियासत थी। देवली छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? तो कोटा रेजिमेंट थी। देवली वर्तमान में टोंक के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं आज का अपना चौथा प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड एग्जाम मतलब कई एग्जामों में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलेंगे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है अविकानगर टोंक के अंतर्गत। कहाँ है? अविकानगर टोंक में है। टोंक जिला किस संभाग में आता है? तो टोंक जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आएगा? तो बात करें टोंक जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। टोंक जिले का शुभंकर क्या है? तो टोंक जिले का शुभंकर है वो हंस है। क्या है? हंस। प्रश्न नंबर चौथा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बात करें अविकानगर टोंक के अंतर्गत है। टोंक जिला किस संभाग में आता है? टोंक जिला राजस्थान के अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर बात करें टोंक जिले का शुभंकर क्या है? तो टोंक जिले का जो शुभंकर है वो आपका हंस रहेगा। फिर बात करें प्रश्न नंबर छठा है आपका, सॉरी सातवा है, उनियारा शैली राजस्थान चित्रकला की किस शैली या किस स्कूल की उपशैली है? तो जो उनियारा शैली है उनका संबंध किससे है या किसकी उपशैली है? तो ढूंढाड़ उपशैली की है। किसकी है? तो ढूंढाड़ जो शैली है, ढूंढाड़ चित्रकला है, ढूंढाड़ जो शैली है मुख्य है और उसकी उपशैली कौन सी है? उनियारा। या किस स्कूल के अंतर्गत आती है? तो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आएगी। प्रश्न नंबर आठवा, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? तो टोंक जिले में। कहां पर है? तो बात करें वो टोंक जिले में रहेगा बिसलपुर बांध। फिर बात करें बनास डाई खारी नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो तीन नदियां हैं त्रिवेणी संगम, एक तो आपकी बनास नदी है, डाई नदी है, खारी नदी है। इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो राजमहल में। कहाँ हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा। उनियारा शैली का राजस्थान चित्रकला शैली जो उप शैली है किसके अंतर्गत आएगी? तो ये ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है। ढूंढाड़ जो मुख्य शैली है उसकी उप शैली है उनियारा। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? टोंक जिले में बना हुआ है। बनास डाई खारी इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम हो रहा है राजमहल स्थान पर। और ये स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका स्थान है टोंक जिले में। कहाँ है? तो टोंक जिले में रहेगा। दसवां प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता आपके टोंक जिले में है। ठीक है, रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक जिले में। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है कौन सी सभ्यता को? रेड सभ्यता को। ये रेड कहाँ है? तो ये रेड है आपका टोंक जिले में। फिर बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार एक्ट लाने वाली कौन सी रियासत थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार एक्ट लाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक रियासत थी। कौन सी रियासत थी? तो टोंक रियासत थी। मुबारक महल, देखो मुबारक महल दो है राजस्थान में, एक है आपके जयपुर में। ठीक है, एक मुबारक महल जयपुर के अंतर्गत है। ये मुबारक महल पूछा गया टोंक वाला मुबारक महल, जहां बकरीद के दिन ऊंटों की बलि या ऊंट की बलि दी जाती थी। वर्तमान में यहाँ ऊंट की बलि पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगी हुई है। पहले यहाँ पर बकरीद के दिन ऊंट की बलि दी जाती थी। ये मुबारक महल ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध था।
ये आपका टोंक जिले में, और एक मुबारक महल है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है जो कि जयपुर में है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? रेड सभ्यता स्थल को कहा जाता है। किस जिले में है? तो टोंक जिले से संबंधित है। राजस्थान में